हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए आप उर्दू पोर्शन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो एएमयू 9th का एंट्रेंस होता है उसमें एक पोर्शन उर्दू का भी होता है जो ऑलमोस्ट 6 या 7 मार्क्स के आ जाते हैं हर साल। तो उसको कैसे पढ़ें मैम, कहाँ से पढ़ें, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इस वीडियो में उसके आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू में ऑलमोस्ट 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, बुक है आपकी एक अपनी जबान नाम की, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, और अभी पिछले साल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन अलीगढ़ से या सर सैयद अहमद सर के बारे में भी दे देता है। तो आपने बेसिकली 3 टाइप की चीज़ें प्रिपेयर करनी है फॉर 9th एंट्रेंस। क्या क्या? टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को, उर्दू ग्रामर क्वेश्चंस को, और थोड़ा बहुत आपको अलीगढ़ के बारे में भी पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? आपकी बुक है अपनी जबान बुक, वहाँ पर टोटल 22 चैप्टर्स दिए हुए हैं। बेवकूफ़ों की तरह 2200 चैप्टर नहीं पढ़ने बैठ जाना है। कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको, आप नोट करते जाओ। चैप्टर नंबर 5 है हाकी का जादूगर, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9 है कुंदन लाल सहगल। फिर है आपका 11 या 12 इब्ने इंसा। फिर है 14 बेगम हज़रत महल। 15 है महात्मा गांधी, रफ़ी अहमद कदवई, और 19 या 18 आपका है कुर्तलैन हैदर। तो इस तरीके के जो बायोग्राफिकल चैप्टर्स हैं जिसमें किसी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है, वो क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पहले आप चैप्टर रीड आउट करोगे, लाइन टू लाइन समझोगे चैप्टर में लिखा क्या है। आपको वीडियोस जो हैं चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, यहाँ पे मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी वीडियोस की, वो देखिएगा आप। चैप्टर समझने के बाद मैं MCQs अपलोड कर रही हर चैप्टर वाइज उर्दू के, तो वो देखिएगा एक दफ़ा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी पैदाइश कब हुई, इन्होंने ये किताब कब लिखी, ये जो बुक में सब कुछ लिखा होता है वहीं से MCQs बनते हैं। इसके अलावा वर्ड मीनिंग कभी कभी आ जाते हैं, तो वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान रखना है। उसके बाद पोएम्स जो होते हैं, पोएम्स जो चैप्टर में आपको दिए गए हैं वो आप पढ़ोगे, उनके शायर को याद करोगे, पोएम की लाइनें ध्यान से देखोगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं टेक्स्ट बुक के लिए। बस इतना आप कर लोगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए उन्हें पढ़ लोगे, पोएम्स को पढ़ लोगे, उतना आपके लिए एनफ रहेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर जो उर्दू ग्रामर वाला पोर्शन है वो कहाँ से पढ़नी होती है आपने, वो आपकी जो बुक है ना अपनी जबान, जब आप हर चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है ग्रामर का, उन्होंने ऐसे ही 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है वो, तो आपने वो पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो 2200 चैप्टर के नीचे जाकर, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उर्दू ग्रामर की, आप उन्हें देख लें। पूरी उर्दू ग्रामर जो है 9th एंट्रेंस के लिए, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पर, उसे देख लें। उर्दू ग्रामर में इस तरीके के क्वेश्चन आ गए जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं मुतजाद अल्फाज या वाहिद जमा के। ये वाहिद जमा और मुतजाद अल्फाज जो है ये आपकी अपनी ज़बान बुक में दी गई हैं एक्सरसाइजेज में, उनके आंसर आपको नहीं बताए गए हैं बुक में, बस क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वहाँ से पूछ लेता है, ठीक है। वो आपने करना है मुतजाद अल्फाज और वाहिद जमा। अगर आप एक एक खोज नहीं पा रहे हो, आपको नहीं पता है, तो उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। बेसिकली उर्दू ग्रामर की जितनी प्रिपरेशन है, उर्दू की जितनी प्रिपरेशन, मैंने सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें देख के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा उर्दू ग्रामर कैसे पढ़नी है। इसके बाद फिर जो लास्ट वाला सेक्शन मैंने बोला अलीगढ़ के बारे में और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, उसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज, बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि AMU में कभी नहीं पूछता था, बस इस साल पता नहीं कैसे पूछ लिया। तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर रहोगे। थोड़ा अलीगढ़ के बारे में भी आपने जानना है, जैसे अलीगढ़ कब बना, अलीगढ़ कॉलेज जब बना था उसका क्या नाम था, किस साल बना अलीगढ़ कॉलेज, या फिर इसके पहले चांसलर कौन थे, पहले वाइस चांसलर कौन थे, इसके फाउंडर कौन है, इन सब तरीके के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उर्दू को कैसे प्रिपेयर करें। इसको इस तरीके से प्रिपेयर करिए और आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट हो टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।